Changmala Jule. I am Diskit Lamo. I'm your commerce lecturer. And today is our first class in accountancy. And we will start the first chapter, that is accounting for partnership. And our first topic is partnership. Partnership is an agreement between two or more persons. Who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका मतलब ये है partnership जो है वो एक agreement है जिसे कोई एक बंदा नहीं चला सकता है, जिसे दो या दो से ज्यादा बंदा होना जरूरी है, यानी कि कोई एक बंदा कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता है. इसलिए पार्टनरशिप में टू या टू से ज्यादा पर्संस होना बहुत जरूरी है और उनका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना. बिजनेस वो होता है जहाँ पर प्रॉफिट हो. हर कोई चाहते हैं कि बिजनेस करे, लेकिन उनका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना. तो वह लेकिन वह बिजनेस जो है कोई भी कैरी कर सकता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है उनमें से पर्संस टू थ्री फोर फाइव जितने भी पर्संस होते हैं उनमें से एक पर्संस भी कैरी कर सकते हैं या सारे मिलकर भी उस बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, लेकिन उनका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना. ये नहीं होता है कि अगर कोई एक बंदा काम करे, कोई एक इंसान काम करे या एक पर्सन काम करे तो दूसरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. चाहे एक पर्सन काम करे, चाहे टू पर्सन, चाहे थ्री पर्सन काम करे, लेकिन प्रॉफिट सबको मिलता है. यानी कि इसके कहने मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग प्रॉफिट आपस में बांट देते. ऐसा भी हो सकता है कि हाँ एक बंदा कहे, एक पर्सन कहे, मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, मैं फॉर्म नहीं आऊँगी, मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है लेकिन ये फॉर्म जो है आप लोग इसको चलाए, ऐसा भी होता है. उसको कहते हैं साइलेंट पार्टनर. अच्छा, अभी जो हमने किया हुआ है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे फर्स्ट में आता है टू और मोर पर्सन. जैसे कि हमने मीनिंग में बताया, पार्टनरशिप कभी भी एक पर्सन से नहीं बनता है, उसमें टू या टू और मोर पर्सन होना ही चाहिए. वही इस फीचर्स में भी इन्होंने बताया हुआ है कि पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन होना ही होना है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब के बीच में अग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि वह रिटर्न फॉर्म में हो, वह ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब में अग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है. क्यों होता है अग्रीमेंट होना ज़रूरी? अग्रीमेंट होना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर अग्रीमेंट होगा तो उन सब के बीच में डिस्प्यूट्स, जितने भी जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वह ईजिली सेटल्ड होता है. और सेकेंड पार्ट उनका जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है वो स्मूथली होता है. इसलिए अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. थर्ड पार्ट बिजनेस. थर्ड इज द बिजनेस. ओके, थर्ड पार्ट इज द बिजनेस. बिजनेस हम क्यों करते हैं? बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, दैट इज प्रॉफिट. जो भी बिजनेस करते हैं वह प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो इन सब का एक ही एम होता है, वह होता है प्रॉफिट कमाना. अगर कोई बिजनेस इसलिए करते हैं जैसे कि सोशल सर्विस हो तो उसको बिजनेस नहीं कहलाते हैं, वह पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट ही इनका मोटिव होता है, इसमें सोशल सर्विस नहीं होता है. नो सोशल सर्विस. अच्छा, फोर्थ पार्ट है म्यूचुअल एजेंसी. यानी कि वह जितने भी बिजनेस में पर्सन्स होते हैं, जितने भी बिजनेस में लोग होते हैं, वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे से कह सकते हैं कि हाँ मैंने कैपिटल लगाया लेकिन आगे से फर्म आप शुरू करो, मैं दुकान में नहीं आऊँगी लेकिन आप इसको दुकान को चलाओ. लेकिन इस तरह से बिजनेस चलता है, इस तरह से पार्टनरशिप होता है. ज़रूरी नहीं है कि सब मिलकर उस बिजनेस को आगे बढ़ाए. अगर उसके पास टाइम नहीं है या वह नहीं आना चाहता है फॉर्म में तो वह नहीं भी आ सकता है. इस तरह से भी म्यूचुअल एजेंसी के द्वारा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा भी बिजनेस आगे चल सकता है. और फिफ्थ पार्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट.
sharing of profit and loss. अच्छा, जो भी बिजनेस करते हैं उन सब का एम वही होता है जो कि हमने पहले से डिस्कस किया है, प्रॉफिट कमाना। ये सब चाहते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में वो प्रॉफिट शेयर करें और साथ में लॉस भी शेयर करें। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे कि हम मतलब जब से हमने पार्टनरशिप पढ़ा तब से हम यही पढ़ रहे हैं कि इनका एम होता है, इनका मोटिव होता है बिजनेस में प्रॉफिट कमाना। तो ये फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे आया है। जितना ये बिजनेस में पार्टनरशिप होते हैं, जितने ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं उतने ये लॉस भी आपस में शेयर करते हैं। और फिर से इस पॉइंट में वही आएगा एक बार फिर से कि चैरिटेबल वर्क बिल्कुल नहीं होगा इस पार्टनरशिप में, तभी तो ये प्रॉफिट ये लोग आपस में शेयर कर पाएंगे। चैरिटेबल वर्क बिल्कुल, सोशल सर्विस वर्क बिल्कुल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में नहीं आता है। और लास्ट पॉइंट इज द लीगल बिजनेस। जो भी पार्टनरशिप चलता है यानी कि उसमें लीगल बिजनेस होता है, यानी कि इन लीगल बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं आता है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। वो डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हैं उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, पार्टनरशिप डीड जो हमने पहले से पढ़ा है कि पार्टनरशिप जो होता है वह ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर हम पार्टनरशिप को रिटर्न करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप जो होता है वह इक्वली ओरल पार्टनरशिप भी इक्वली वैलिड होता है, लेकिन अगर वह रिटर्न में हो उस डॉक्यूमेंट को, रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है पार्टनरशिप डीड के द्वारा जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं वह क्रिएट नहीं होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होते और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वह इजिली सेटल हो जाता है। और बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वह स्मूथली फंक्शन करता है, इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि ओरल जो है उसको वैलिड नहीं माने, ऐसा नहीं होता है। ओरल भी उतना ही वैलिड होता है जितना रिटर्न होता है, लेकिन रिटर्न के कारण ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वह फेस करना नहीं पड़ता है, इसलिए पार्टनरशिप डीड को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब के ट्रांजेक्शन को, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उन सब सैलरी, कमीशन, उन सब को रिकॉर्ड करना होता है। और उन सब को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। और वह अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट में जो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा, इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। थोड़ा सा टाइट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट।
लेकिन ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड होता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फ्रेश कैपिटल आया या एडिशनल कैपिटल आया तभी इनके बैलेंस चेंज होंगे, अदरवाइज ये फिक्स्ड ही रहेगा। अगर कोई, फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आया या अगर कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तभी ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये अकाउंट चेंज होगा, अदरवाइज इट विल बी रिमेन फिक्स्ड। जबकि पार्टनर्स करंट अकाउंट में दूसरे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो सारा इसमें पास होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये है क्या पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट? जितने भी पार्टनर्स को सैलरी देना होता है, कमीशन देना होता है, या वो ड्राइंग ले रहे, ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग का मतलब होता है हम अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम ड्राइंग्स मानते हैं, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। वह सारा इस अकाउंट में नहीं होगा, वह सारा होगा नेक्स्ट अकाउंट। इसमें क्या क्या आएगा? सिर्फ ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो इसमें आएगा। अगर कोई कैपिटल, नया कैपिटल आता है, एडिशनल कैपिटल आता है, वो इसमें होगा। और कोई परमानेंटली अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो वो इसमें आएगा, और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। ये किस तरह से बनाते हैं ये फॉर्मेट? इसमें आएगा डेट, पार्टिकुलर्स, इसमें पार्टनर्स के नाम, अगर दो पार्टनर होंगे तो एक्स वाई, या उस पार्टनर का नाम, या जेड, या अगर तीन होगा तो जेड, या कोई भी नाम भी हो सकता है, या अगर चार होगा तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ तीन पार्टनर्स के बारे में बताया तो सिर्फ इसमें एक्स वाई जेड ही लिखा है। ये होता है हमारा डेबिट साइड, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। अच्छा, अब अभी हमने किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी उसी तरह से मेंटेन करना है जिस तरह से कैपिटल अकाउंट किया, उसमें भी डेट, पार्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम, फिर से डेट, पार्टिकुलर्स और पार्टनर्स का नाम, ठीक है। उसमें, इसमें अब उसमें वो तो फिक्स, उसमें कोई वो नहीं था, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल और विदड्रॉन, परमानेंटली विदड्रॉन कैपिटल आता है। लेकिन जितना बचता है, जितना सैलरी है, कमीशन है, ड्राइंग्स है, ये सारा करंट अकाउंट में आता है। जैसे कि ये, इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड भी आता है, इस साइड भी आता है। ब्रॉट डाउन का मतलब है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में भी आता है, क्रेडिट साइड में, इसको कहते हैं डेबिट साइड, इसको कहते हैं क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस दोनों तरफ आता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो इस तरफ आता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ आता है, और कमीशन इस तरफ आता है, सैलरी इस तरफ आता है, और जो प्रॉफिट कमाते हैं या जो लॉस होता है वह इस तरफ ट्रांसफर होता है। अच्छा जी, ये हुआ हमारा क्रेडिट साइड, और इसी के इस साइड क्लोजिंग भी होता है, इस साइड भी क्लोजिंग होता है। जिस तरह से ओपनिंग दोनों तरफ होता है उसी तरह से क्लोजिंग भी दोनों तरफ होता है। फिर से बोल रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब इस तरफ आता है, यानी कि क्रेडिट की तरफ आता है, और जो ड्राइंग्स है, जो हम पर्सनल यूज के लिए खर्चा करते हैं, वह इस तरफ आता है। उससे पहले ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, फिर ड्राइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो इस तरफ आएगा। जो हमारा लॉस ट्रांसफर होगा वो इस तरफ होगा, और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ होगा। इसको कहते हैं हम फॉर्मेट ऑफ करंट अकाउंट्स। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी ये फर्स्ट टॉपिक यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें दो अकाउंट्स बनता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट्स बनता है। फिर से बोल रही हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में दो अकाउंट बनता है। लेकिन दोनों जितना अभी हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, लेकिन दोनों अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मिलकर एक साथ एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ बन जाता है, इसलिए उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। और इनका बैलेंस भी वेरी करता है, इनका बैलेंस सेम नहीं होता है। किसका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसका फॉर्मेट देखिए आप किस तरह से होता है, जिस तरह से उसमें होता है उसी तरह से इसमें होता है। इसमें भी टेबल बनाते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज या अमाउंट, कोई भी
कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। फिर पार्टिकुलर अमाउंट सेम है, ठीक है। उसमें हमने बताया, अच्छा उसमें हमने बताया कि अकाउंट्स को दो अकाउंट मेंटेन करना है, इसमें हमने एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, दोनों को एक साथ फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट में, एक ही अकाउंट्स में दोनों को एक साथ लाना है, उसको कहते हैं आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें भी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस जो होता है वो डेबिट भी हो सकता है वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। इसमें हमने पहले ही किया था, जो ड्राइंग्स होता है वो इसमें होता है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो इसमें होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें आता है, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं वो इसमें आता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें आता है, अगर पार्टनर्स को कुछ कमीशन देना हो वो इसमें आता है, पार्टनर्स को सैलरी देना हो वो इसमें आता है, अगर कोई पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होता है जब कोई पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं उसको वापस हमें इंटरेस्ट देना होता है, उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। मैं भूल गई थी पहले बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली में ये अकाउंट्स होता है क्या है, पार्टनर्स को जितना भी जो भी पैसा देना होता है वही ये अकाउंट्स होता है, ठीक है। उसके बाद है ये उनका ड्राइंग्स, अगर कोई वो पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च करते हैं पहले से बताया मैं, उसके बाद है ये बैंक, अगर वह विड्रॉ करते हैं पैसा यानी कि वह पैसा निकालते हैं, ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वह जब वो पैसा निकालते कंपनी से या फर्म से, वो जब वो पैसा निकालते हैं तब उनको उस पर इंटरेस्ट लगता है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या जब वो लॉस ट्रांसफर करते हैं तब वो इस तरफ आता है। फिर से एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ओपनिंग बैलेंस इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, क्लोजिंग, अगर ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है तो क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आता है, अगर ओपनिंग बैलेंस इस तरफ डेबिट साइड आता है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। ये है हमारे जैसे डेबिट साइड, तो इसमें आएगा ड्राइंग्स, विड्रॉयल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं वहां से यहां ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाता है, ठीक है। जो लॉस ट्रांसफर होता है वो इसमें आएगा। अच्छा जी, अब ये होगा क्लोजिंग, ये कब होगा, ये एंड में होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो यही होता है, ये इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी, बैलेंस फिगर। ये हमारा क्रेडिट साइड, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं आप लोगों को बार बार क्लास की तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ, होप आप लोगों को समझ में आए। ये हमारा कमीशन, ये हमारा सैलरी, ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर, जो पीएनएल अकाउंट से हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। विद दिस आवर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज फिनिश्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक अकाउंट बनता है, लेकिन दोनों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मिलकर एक ही अकाउंट बनता है, यानी कि ये दोनों सेम होता है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, होता सेम है, सिर्फ इसमें एक अकाउंट अलग से बनता है और इस अकाउंट में सब मिलकर एक ही अकाउंट बनता है, उसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। इसमें थोड़ा वेरी होता है, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग में वेरी होता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड अकाउंट में, फिर से बोल रही हूँ, जब एडिशनल कैपिटल लाते हैं तभी वेरी करता है, अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल वेरी नहीं करता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब कोई विड्रॉ करता है कैपिटल तभी वेरी करते हैं, अदरवाइज बैलेंस वेरी नहीं करते, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में टाइम टू टाइम बैलेंस वेरीज करता रहता है, दैट्स ऑल। अच्छा, अभी वाले का मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी जिसके कारण आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ही के एनसीईआरटी बुक से ले रही हूँ एक इलस्ट्रेशन, एनसीईआरटी अकाउंटेंसी से एक इलस्ट्रेशन ले रही हूँ जिसमें क्वेश्चंस में पढ़ूंगी, आप लोग सुन लो गौर से। समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड रुपीज 10 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समीर का 15 लाख और यास्मीन का 10 लाख। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन केस। अगर इन केस जो हमने किया था, इन केस द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड इन केस द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, द बुक्स आर क्लोज ऑन March 31st एवरी ईयर। हर साल बुक्स जो होता है वो क्लोज होता है March 31st। ये तो हमने पहले से कर रखा है 11th क्लास में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दोनों अकाउंट्स मेंटेन करना है,
चलो उसमें पहले क्वेश्चंस में पढ़ रही हूँ। पार्टिकुलर्स में क्या है और समीर और यास्मीन के अमाउंट क्या है। पार्टिकुलर्स में एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 3 लाख 2 लाख, समीर का 3 लाख, यास्मीन का 2 लाख। ऑन जुलाई 1st 2014 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जुलाई 1st 2014 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, लेकिन डेट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। स्टार्टिंग में है कि मिड में है, कब है, या 4 मंथ के लिए है, या 2 मंथ्स के लिए, या 6 मंथ्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है ऑन जुलाई 1st, यानी कि अभी कितने महीने हैं, 6 मंथ्स के लिए, वो याद रखना जरूरी है। ऑन जुलाई 1st 2014 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% समीर को भी 5%, यास्मीन को भी 5%। ओके, ड्राइंग्स है ड्यूरिंग 2014-15 का 30,000 समीर का और यास्मीन का 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 1,800 समीर का, यास्मीन का 1,200। सैलरी है 20,000 समीर का और यास्मीन का 7,000। कमीशन है 10,000, सिर्फ समीर का कमीशन है, यास्मीन का कमीशन नहीं है। शेयर इन लॉस है 2014 में 60,000 समीर का और यास्मीन का 40,000। अच्छा, इसमें हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड प्रिपेयर करना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों प्रिपेयर करना है। जो अभी मैंने फॉर्म में समझाया उसी के अकॉर्डिंग करना, बहुत सिंपल है। अच्छा, तो हमने क्या पहले पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट। पहले हमारा उसमें हमने देखा था फॉर्मेट में ओपनिंग बैलेंस आता है, तो इसमें हमने पहले ओपनिंग बैलेंस लाना है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें लिखा गया है समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹15,10,000, दैट इज आवर ओपनिंग बैलेंस, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 15,10,000। 15 लाख समीर का, 2 लाख अच्छा जी, उसके बाद हम करेंगे ऑन जुलाई 1st 2014 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, यानी कि वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसमें नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, वह पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बच जाता है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। थैंक यू।